डार्क सर्कल्स की वजह से बहुत परेशान है या फिर आपकी उम्र आपके डार्क सर्कल्स की वजह से बहुत ज्यादा दिखाई देती है? अगर यस तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। तो दोस्तों वेलकम बैक टू माय चैनल किड्डोस मोमेंट ब्यूटी। आज मैं आपको कुछ ऐसा बताने जा रही हूँ जिससे आप अपने डार्क सर्कल को जड़ से खत्म कर देंगे, वो भी सिर्फ और सिर्फ 7 दिनों में। तो दोस्तों आपको सुनकर बहुत हैरानी हो रही होगी कि 7 दिनों में मैं कैसे आपके डार्क सर्कल्स को खत्म करा सकती हूँ। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो दोस्तों चलते हैं हम वीडियो की तरफ और आपके डार्क सर्कल्स को खत्म करने का इतने अच्छे तरीके बताते हैं जिससे कि आप बिल्कुल हैरान हो जाएंगे। तो दोस्तों टाइम को वेस्ट किए बिना चलते हैं हम वीडियो की तरफ। तो चलिए फ्रेंड्स आज की रेमेडी को स्टार्ट करते हैं। हमें इस रेमेडी को बनाना कैसे है, डार्क सर्कल की हम रेमेडी बनाने जा रहे हैं। तो दोस्तों ये मेरे पास है एक खीरा, आधा खीरा मैंने लिया है, इसको वॉश करके और मैंने छिलके रख लिया। अब मैं आपको इसको सामने कद्दूकस करूँगी, तो जिस तरीके से आपको इसको कद्दूकस करना है। फ्रेंड्स मेरा जो खीरा है वो कद्दूकस हो चुका है, देखिए आप कितने अच्छे से मैंने इसको कद्दूकस कर लिया है। अब मुझे क्या करना है, इसको इसमें जो ये जूस निकला है आप देख सकते हैं इसमें कितना अच्छा जूस निकल गया है। अब मुझे इसको एक बॉल में ट्रांसफ़र करना है कुछ इस तरीके से। अब मैंने ये बॉल लिया है, इसको मैं इसमें ट्रांसफ़र करूँगी। तो दोस्तों वीडियो को अच्छे से स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। अगर आप वीडियो को स्किप करेंगे तो आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा और मैं इसमें एक एक स्टेप आपको ऐसे बताऊँगी जिससे कि आपको इतनी अच्छी हेल्प मिलेगी कि आप अपने डार्क सर्कल को बहुत अच्छे से रिमूव कर पाएंगे। तो दोस्तों देखिए आप अपने हाथों की हेल्प से भी इसको बहुत अच्छे से जूस निकाल सकते हैं कुछ इस तरीके से। देखिए मैं अपने हाथों से ही आपको जूस निकाल के दिखा रही हूँ, ये देखिए देखिए मैं जूस बहुत अच्छे से निकल रहा है। तो फ्रेंड्स मेरा जो जूस है वो रेडी हो चुका है। अब मुझे इसको ट्रांसफर करना है एक दूसरे बाउल में जिससे मैं छलने की हेल्प से इसको छान लूंगी और इसके बिल्कुल भी जो ये है देखिए कितना क्लियर सा जूस मेरा आ गया। अब मुझे इसमें ऐड क्या क्या करना है प्लीज़ आप ध्यान से देखिए, बिल्कुल ध्यान से देखिए, क्योंकि आप अगर थोड़ा सा भी वीडियो को स्किप करेंगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो दोस्तों मैं इसमें ऐड करने जा रही हूँ एक विटामिन ए का कैप्सूल। तो दोस्तों मेरे विटामिन ए के कैप्सूल को मैं इसमें ऐड करने जा रही हूँ कुछ इस तरीके से। देखिए जो विटामिन ई होता है वो हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है और हमारी स्किन को स्मूथ बनाता है, हमारी स्किन को सुंदर बनाता है और हमारी स्किन को बहुत अच्छे से विटामिन्स की जो कमियां होती हैं उनको पूरी करता है। तो दोस्तों मैंने विटामिन ई का कैप्सूल भी इसमें मिक्स कर लिया है और अब मैं ऐड करती हूँ इसमें तो ये जो मेरा कोकोनट ऑयल है ये मुझे इसमें ऐड करना है, 5 to 7 ड्रॉप्स मुझे ऐड करना है इस तरीके से। ये मेरा कोकोनट ऑयल है ये मैंने इसमें ऐड कर दिया है। अब मुझे इसको मिक्स करना है बहुत अच्छे तरीके से। दोस्तों ये तो आपको पता ही है कि अगर हमारे डार्क सर्कल होते हैं वो हमारी खूबसूरती पर किस तरह से दाग लगा देते हैं और हमारी एज को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करते हैं। अगर आपकी स्किन तो बहुत साफ है और आपके डार्क सर्कल्स ज़्यादा हैं तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है मैं कहती हूँ। और वही चीज़ आप कितना भी मेकअप करें कुछ भी करें लेकिन वो आप उसको छुपा नहीं पाते हैं। तो दोस्तों ये एक ऐसी रेमेडी है जिसकी हेल्प से आप अपने डार्क सर्कल को बहुत हद तक कम कर लेंगे, बहुत स्टार्टिंग में ही कम कर लेंगे और बाद में तो आप बिल्कुल क्लियर ही कर लेंगे। तो दोस्तों मैं आपको यही चीज़ कहना चाहती हूँ कि अगर आप किसी भी होममेड रेमेडी को यूज़ करते हैं तो आप उसका एकदम से इंस्टेंट जो रिज़ल्ट होता है उसकी अपेक्षा ना करें, क्योंकि आपको एक कुछ दिन तो इस्तेमाल करना पड़ेगा उसके बाद आपको रिज़ल्ट मिलना शुरू होगा। हाँ मैं इस चीज़ की गारंटी ज़रूर लेती हूँ कि अगर आप एक बार इसको इस्तेमाल करेंगे, अच्छे से इस्तेमाल करेंगे और उसके बाद आप देखेंगे कि वो चीज़ आपको दोबारा कभी भी नहीं आएगी, वो प्रॉब्लम आप फेस नहीं करेंगे। तो मेरे पास एक ही खाली कंटेनर है और मैं इसको इस खाली कंटेनर में भर लूँगी कुछ इस तरीके से। और इसमें भरने के बाद मुझे इसमें इसको फ्रिज में रखना है और मैं इसको 5 से 7 दिन या फिर 10 दिन तक भी फ्रिज में रख के इस्तेमाल कर सकती हूँ।
और दोस्तों एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है मैं बताना चाहूँगी कि देखो डार्क सर्कल जो होते हैं वो सभी को होते हैं आजकल के पोल्यूशन की वजह से या फिर स्ट्रेस भरी लाइफ की वजह से या फिर नींद बहुत कम आती है किसी किसी को उसकी वजह से डार्क सर्कल होते हैं। तो प्लीज़ आप उनको भी ध्यान में रखें क्योंकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ इस रेमेडी से ही आप अपने डार्क सर्कल को कंप्लीट करेंगे, आप नींद पूरी नहीं लेंगे और आपको नींद भी लेनी बहुत ज़रूरी है, आपको डाइट का भी बहुत अच्छे से ध्यान रखना, आपको ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीने पर भी ध्यान देना है। तो दोस्तों ये मेरी वो रेमेडी है जिसकी हेल्प से आप अपने डार्क सर्कल को कम्प्लीटली रिमूव कर पाएंगे, अच्छे से रिमूव कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स जो डार्क सर्कल है वो जेंट्स और लेडीज सभी की प्रॉब्लम है, तो इसमें कोई भी शर्माने वाली बात नहीं है, कोई भी बैड फील करने वाली बात नहीं है, ये सभी को होता है और इसके इलाज भी बहुत अच्छे से है जो मैंने आज आपको बताया है। तो दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को दबाना ना भूलें जिससे कि मेरे आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले।